ओके, नाउ यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी सीन ऑर्डिनरी डैमेजेस और उसका हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया. देन वी ड्रू सर्टेन कंक्लूजन्स दैट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस आर ऑलवेज रिकवरेबल एंड जो स्पेशल डैमेजेस हैं वो भी रिकवरेबल होते हैं प्रोवाइडेड अ प्री कंडीशन हैज बीन सैटिस्फाइड. एंड व्हाट इज दैट प्री कंडीशन? दैट यू हैव टू गिव द नॉलेज that you have a further contract to be fulfilled. ठीक है. Now, if you remember, when I started with special damages, मैंने आपको कहा special damages के forms होते हैं. ठीक है. There are different forms. अब हमने कल जो example लिया वो wholesaler, retailer और customer का. ठीक है. तो इसमें क्या था? Wholesaler और retailer के बीच में जो transaction था that was transaction number one. और retailer और customer के बीच में जो था that was transaction number two. ठीक है. तो दिस स्पेशल डैमेजेस रिलेट्स टू विच काइंड ऑफ कैटेगरी? यहाँ पर फर्दर सेलिंग की बात हुई थी. फर्दर, करेक्ट, फर्दर, फर्दर रीसेलिंग, फर्दर रीसेलिंग, करेक्ट. अच्छा, नाउ क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको कुछ यू नो वर्ड्स ट्विस्ट करके दे. तो आपको ऑलरेडी पता है कि ऑर्डिनरी डैमेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? यू नो दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट द टू नंबर्स. एंड इफ यू हैव यू नो कॉन्सेंट्रेटेड इन माई द लास्ट प्रीवियस टू लेक्चर्स, यू विल यू नो इमिजिएटली आपको क्लिक होगा दैट विच टू नंबर्स आई एम स्पीकिंग ऑफ, राइट? उसके अलावा अगर कोई डैमेजेस हैं तो वो स्पेशल डैमेजेस की कैटेगरी में आ जाते हैं. ठीक है. उसके अलावा अगर कोई डैमेजेस हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल डैमेजेस. नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय दिस. देखो, कल हमने ये फर्दर रीसेलिंग का एक पढ़ लिया. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि अगर क्वेश्चन में फर्दर रीसेलिंग की बात कर रहे हैं सो दे आर स्पीकिंग ऑफ स्पेशल डैमेजेस. ठीक है. सो दिस इज वन फॉर्म. सेकेंड, लाइक क्वेश्चन को इस तरह से वो फ्रेम कर सकते हैं रिगार्डिंग फर्दर सेलिंग. नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. अब सपोजिडली मेरा एक मिल है. ठीक है. आई हैव अ मिल और उसमें मुझे एक मशीन लगती है. ठीक है. अब वो मशीन खराब हो गई है. तो खराब हो गई है तो मैं जाती हूँ रिपेयर करवाने के लिए. सो आई गो टू द टू रिपेयर इट, फॉर रिपेयरिंग. ठीक है. सो दिस रिपेयरिंग पर्सन इज मिस्टर एक्स एंड आई एम द मिल ओनर. करेक्ट. मेरी कोई मशीन खराब हो चुकी है तो मैं मिस्टर एक्स के पास जाती हूँ कि मुझे आप रिपेयर करके दो. और मैं उनको क्या कहती हूँ कि मुझे ये मशीन को 2 दिन के अंदर अंदर रिपेयरिंग करके दे देना. ठीक है. मैं बस उनको इतना कहती हूँ. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस मिस्टर एक्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 डेज ही टेक्स अराउंड एडिशनल 5 डेज. ही टेक्स हाउ मेनी मोर डेज टू रिपेयर द मशीन? ही टेक्स एडिशनल 5 डेज टू रिपेयर द मशीन. मतलब कुल मिला के उसने कितने दिन लिए? 7 डेज. जिसमें से 2 डेज तो मुझे पता थे कि 2 दिन तो इसको लगेंगे ही लगेंगे मिल सॉरी मशीन रिपेयर करने के लिए. करेक्ट. उसने एडिशनल और कितने दिन यू नो रखा वो मशीन अपने पास? 5 डेज इन एडिशनल. ठीक है. अब 7th डे पे ही गिव्स मी अ कॉल. ठीक है. एंड ही टेल्स मी आपकी मशीन रिपेयर हो गई है, आप यहाँ से आके लेके जाओ. ठीक है. सो ऑफकोर्स आई एम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड कि यहाँ पर 5 दिन उसने एडिशनल लगा दिए. तो यहाँ पर माय क्वेश्चन टू यू इज कैन आई रिकवर ऑर्डिनरी डैमेजेस? क्वेश्चन कभी कभी सिर्फ इतना ही आता है कि कैन दे रिकवर. अभी देखो यहाँ पर उन्होंने आपको ना कोई फिगर्स नहीं दिए हैं टू कैलकुलेट ऑर्डिनरी डैमेजेस. सिर्फ उन्होंने सिंपली प्लेन बोला है कैन दे रिकवर ऑर्डिनरी डैमेजेस, बताओ येस और नो. अब हमको नहीं पता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे या हमको कैलकुलेशन में पढ़ना भी नहीं है. बट सिंपल अगर क्वेश्चन ये है कैन आई, हु एम आई? आई एम द मिल ओनर. करेक्ट. सो कैन आई रिकवर ऑर्डिनरी डैमेजेस? बस अगर इतना ही क्वेश्चन आता है तो द आंसर इज ऑफकोर्स यस, आई कैन रिकवर. क्योंकि हमने 10 बार हमने सेम चीज पढ़ी है दैट ऑर्डिनरी डैमेजेस आर ऑलवेज रिकवरेबल. करेक्ट. ना ये तो हो गया इजी. अब आई एम आस्किंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन. Can I recover the profits which I have lost
in those additional 5 days. मतलब क्या, मैं एक मिल ओनर हूं और मुझे पता था कि इसको मशीन रिपेयर करने में 2 दिन लगेंगे, तो 2 दिन का जो घाटा हुआ मेरे मिल पर आई ऑलरेडी न्यू, सो 2 दिन का जो घाटा हुआ वो तो मैं ही बेयर करूंगी, करेक्ट. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो उसने 5 दिन एडिशनल लगाए हैं तो मेरा 5 दिन का और घाटा हो गया. सो क्वेश्चन क्या है, कैन आई रिकवर द प्रॉफिट्स विच आई वुड हैव मेड हैड द मशीन यू नो कम बैक विद इन 2 डेज. बट मशीन 2 दिन में आई क्या? नहीं, मशीन कुल मिला के 7 दिन के बाद आई, राइट? इट केम ऑन द 8th डे. तो अब अगर मैं 7 डेज का क्लासिफिकेशन लिखूं यहां पर, 7 डेज का, 7 डेज में एक है 2 डेज, एक है 5 डेज, करेक्ट. ये 2 दिन का मेरे मिल पर जो घाटा हुआ वो कौन बेयर करेगा? वो तो मैं ही बेयर करूंगी, करेक्ट. आई एम द मिल ओनर, क्योंकि मुझे पता था कि मिनिमम 2 दिन तो लगने ही लगने वाले हैं मशीन को रिपेयर होके आने में. माय क्वेश्चन टू यू इज कि मेरा 5 दिन का एडिशनल का घाटा हो गया, करेक्ट. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्वेश्चन मार्क, ये 5 डेज का जो घाटा हुआ है, कैन आई रिकवर इट फ्रॉम द रिपेयरिंग पर्सन, दैट इज मिस्टर एक्स? टेल मी यस और नो, यस और नो, सोच के बोलो. शशांक इज सेइंग अ यस, ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? तुक्के मारो यार, बस मेरे को आंसर कुछ भी दो, बट एटलीस्ट स्पीक अप. आयुषा इज सेइंग अ नो, ठीक है. क्वेश्चन सबको समझा है? क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है क्या? तो मैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूं. ओके, सो इन टोटल आई हैव गॉट 2 yes and 2 no. अच्छा हाँ ठीक है. आयर इज ऑल्सो सेइंग अ नो, ठीक है, यस, ठीक है. नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, आपको क्वेश्चन तो समझा है ना? क्वेश्चन में तो कोई इश्यू नहीं है ना कि मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट करूं? क्वेश्चन सिंपल है, that can the mill owner recover the profits which he has lost, right, in those additional 5 days? I'll repeat shortly, ठीक है. अब देखो यहाँ पर वापस से ध्यान देना, मैं एक मिल ओनर हूँ, ठीक है. I am a mill owner, यहाँ पर जहां जहां भी I लिखा है that means the mill owner, ठीक है. मिल ओनर के पास, मेरे पास एक मशीन थी जो कि खराब हो चुकी है, तो मैं उसको रिपेयरिंग वाले के पास लेके जाती हूँ. रिपेयरिंग वाले का नाम है मिस्टर एक्स, और मैं रिपेयरिंग वाले को क्या बोलती हूँ कि मुझे ये मशीन 2 दिन के अंदर रिपेयर करके भेज देना. मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि मशीन को रिकवर रिपेयर करने के लिए मिनिमम 2 डेज लगेंगे. सो एज ए मिल ओनर आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बेयर द लॉसेज फॉर अप टू 2 डेज, करेक्ट. बट रिपेयरिंग वाले ने 2 दिन के अलावा 5 दिन और लगाए, मतलब कुल मिला के कितने दिन लगाए? 7 डेज फॉर रिपेयरिंग, 7 डेज फॉर रिपेयरिंग, करेक्ट. जिसमें से 7 दिन में से वो 2 दिन तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि 2 दिन के 2 दिन में तो मुझे मशीन नहीं मिलेगी, आई मिनिमम हैव टू वेट फॉर 2 डेज. तो इसलिए ना जो नीचे डिस्कशन चल रहा है, हम उसमें 2 दिन की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि 2 दिन के लिए तो मिल ओनर प्रिपेयर्ड था कि उसको ही घाटा बेयर करना पड़ेगा, ठीक है. सो वी आर नॉट स्पीकिंग ऑफ 2 डेज. ये 2 डेज का जो भी लॉस होगा वो क्लियर कट कौन बेयर करेगा? द मिल ओनर. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, कंफ्यूजन यहाँ अराइज हो रहा है कि ये जो 5 दिन उसने एडिशनल लगवाए हैं, राइट, उसका लॉस कौन बेयर करेगा? उसका लॉस भी मिल ओनर बेयर करेगा या वो रिपेयरिंग वाले से रिकवर करके लेगा? तो देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, कैन आई रिकवर ऑर्डिनरी डैमेजेस? इसका तो सबने आंसर यस बोला, तो अगेन इसका भी डिस्कशन नहीं हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन आई रिकवर द प्रॉफिट्स व्हिच आई हैव लॉस्ट इन दोस एडिशनल 5 डेज? ओके, केजल इज सेइंग नो, ही कैन नॉट रिकवर, ठीक है. Yes. So can I recover the profits which I have lost in additional 5 days? ठीक है, अब सुन लो, कहीं ना कहीं थोड़ा सही जा रहे हो.
अब मैंने ये जो लेक्चर आपका आज का स्टार्ट किया, मैंने आपको क्या कहा, आपको ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है वो आप सबको पता है। ऑर्डिनरी डैमेजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो जो दो नंबर्स दिए होंगे उनको माइनस करके वो हो जाता है ऑर्डिनरी डैमेजेस, करेक्ट। या तो फिर कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना पूछते हैं आर ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवरेबल, तो सिंपल आंख बंद करके लिख लेना इट इज रिकवरेबल, व्हाई, बिकॉज दे आर ऑलवेज रिकवरेबल। अच्छा, जो डैमेजेस, अब मैं ध्यान से लिखो, ध्यान से देखो मैं जो लिख रही हूँ, जो डैमेजेस ऑर्डिनरी नहीं है वो क्या है, वो है स्पेशल। जो डैमेजेस ऑर्डिनरी नहीं है वो क्या है, वो है स्पेशल, ठीक है। ये मैंने आपको आज के लेक्चर की मैंने आपको फर्स्ट लाइन कह दी। अच्छा, यहाँ पर ये जो हम प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, ये कहीं पर भी हमने ऑर्डिनरी में पढ़ा है क्या? नहीं, हमने ऑर्डिनरी में कहीं पर भी नहीं पढ़ा, तो हमको क्लिक हो जाता है दैट दीज डैमेजेस आर कॉल्ड एज स्पेशल डैमेजेस। ओके, तो अगेन मेरा क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आर स्पेशल डैमेजेस रिकवरेबल? आप कंप्लीटली यस कह सकते हो क्या? आप कंप्लीटली नो कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो। वाई? हमने कहीं पर भी पढ़ा है क्या स्पेशल डैमेजेस आर ऑलवेज रिकवरेबल? हमने कहीं पर भी ये पढ़ा है क्या स्पेशल डैमेजेस आर नेवर रिकवरेबल? नहीं। तो हाउ कैन यू जस्ट राइट अ सिंपल यस और नो इन योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स? यू कैन नॉट राइट दैट। तो आपको क्या मुझे आंसर देना चाहिए था? दैट स्पेशल डैमेजेस आर रिकवरेबल प्रोवाइडेड अ प्री कंडीशन हैज बीन सैटिस्फाइड। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब वापस मैं रिपीट कर रही हूँ जो मैंने लाइन लिखी है, जो डैमेजेस ऑर्डिनरी नहीं है वो ऑटोमेटिकली स्पेशल बन जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, आर स्पेशल डैमेजेस रिकवरेबल? तो आंसर क्या है, दे आर रिकवरेबल प्रोवाइडेड प्री कंडीशन हैज बीन सैटिस्फाइड, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सपोज आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, टेल मी वन थिंग, थिंक ऑफ दिस एंड टेल मी, क्या आपको क्वेश्चन में क्लियर कट ये लिखा है क्या कि उसने इन्फॉर्म किया था कि अगर तुमने ना 2 दिन से 1 दिन भी बढ़ा दिया ना तो मेरा घाटा हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने 2 डेज के अलावा एक आधा दिन भी एक्स्ट्रा लिया ना तुमने, सो आई विल फेस लॉसेज एंड दोज लॉसेज देन यू विल हैव टू बेयर। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, उसने तो उसको कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया। ही डिड नॉट कम्युनिकेट that you know if you take 2 days extra I will be facing huge losses because I am prepared up to 2 days as a mill owner, I am prepared up to 2 days, but if you take even 1 day additional than those 2 days then I will be facing huge losses, correct? So make sure that you repair the machine within 2 days. तो यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो यहाँ पर उसने inform किया है, पर यहां पर जो मैंने एक सिंपल प्लेन क्वेश्चन लिखा है, क्या यहां पर कहीं पर भी इंफॉर्मेशन दी है क्या कि भाई अगर तुमने 2 दिन के एडिशनल लगवा दिए ना तो मेरे को बहुत ह्यूज लॉसेस होंगे? क्या यहां पर इंफॉर्मेशन दी है? इज द रिपेयरिंग पर्सन बीइंग इन्फॉर्म्ड? द आंसर इज नो। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ आर स्पेशल डैमेजेस रिकवरेबल आफ्टर द एनालिसिस वी हैव डन, सो द आंसर इज नो, दे आर नॉट रिकवरेबल। व्हाई? बिकॉज द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉट, you have not provided the knowledge that I will face huge losses if you take even 1 day additional than those 2 days. I hope the answer has been understood. तो आपको special damages का directly answer yes या no नहीं लिखना है, आपको पहले खुद से question पूछना है, क्या question में कहीं पर भी information दी हुई है that the person has been informed? तो यहाँ पर mill owner ने कहीं पर भी repairing person को कहा था क्या कि भाई आई विल फेस ह्यूज लॉसेस? तो नहीं कहा था, तो स्पेशल डैमेजेस रिकवरेबल नहीं होंगे। डायरेक्ट रिलेशन है, इफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड स्पेशल डैमेजेस आर रिकवरेबल, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड स्पेशल डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल, ठीक है। ये लिखना है कि आपको, आई जस्ट मार्क इट, इफ मैं आपको मार्क करके बताती हूँ आप क्या क्या लिख सकते हो। पहले तो ये लाइन लिख लो आप, राइट डाउन दिस लाइन, ये थोड़ा आपको एक ट्रिक है पॉइंट, जो डैमेजेस ऑर्डिनरी नहीं है वो स्पेशल डैमेजेस बन जाते हैं। फिर उसके नीचे लिखो, रिपीट करो, जितना रिपीटेडली लिखोगे उतना ज्यादा बेटर याद होगा। फिर उसके नीचे लिखो आर स्पेशल डैमेजेस रिकवरेबल, उसके बाजू में लिखो डिपेंड्स वेदर इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, डिपेंड्स वेदर इंफॉर्मेशन हैज बीन
provided. Now, if you want to write down this entire example, लिख सकते हो आप. Can mill owner recover the profits which the mill owner has lost in those additional 5 days? फिर आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो 7 days का. वापस से वहां पर दिखाओ 2 days का कौन बेयर करेगा, मिल ओनर. ये तो क्लियर कट है हमको. 5 days का कौन बेयर करेगा? फिर ना यहाँ पर जो हमने ऑप्शंस लिखे हैं ना, येस और नो नहीं लिखो, राइट डाउन मिल ओनर ऑब्लिक मिस्टर एक्स एंड देन पुट अ क्वेश्चन मार्क. नोट्स ऐसे बनाओ कि आप धीरे धीरे खुद को ही एक्सप्लेन कर रहे हो. तो 5 days का कौन बेयर करेगा लॉस? विल द मिल ओनर बेयर और विल मिस्टर एक्स बेयर? क्वेश्चन मार्क. एंड देन यू कैन राइट अ कंक्लूजन. मैं आपको कंक्लूजन लिख के दे रही हूं और यू कैन ऑल्सो राइट इन द हेडिंग डिसीजन. इफ इंफॉर्मेशन हैड, इफ इंफॉर्मेशन हैड बिन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द लॉसेस regarding losses which will arise after 2 days, then in such case Mr. X then in such case Mr. X is entitled to pay special damages to mill owner, else special damages are not recoverable. Else मतलब क्या? What do you mean by else over here? जहां पर information provide नहीं की गई है. So rather than writing the entire sentence, I've just written the word else. Else, special damages are not recoverable. Full stop. So, you know what I would suggest? कि आपको अगर ऐसा कोई question आता है ना, जहाँ पर ऐसे कोई information नहीं दी है, तो आप क्या करो ना, आप simple वहाँ पर भी आप simple yes or no नहीं लिखो, आप दोनों चीजें लिख के लाओ. जैसे यहाँ पर मैंने दोनों चीजें लिखी हैं. अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी उसने तो स्पेशल डैमेजेस भी रिकवरेबल है, else special damages are not recoverable. So such things, in such things you should always play safe. है ना? आपने दोनों, आपने डिसीजन में ही प्रोविजन लिख दिया और आपने दोनों केसेस समझा दिए. है ना? तो यू कैन यू नो प्ले दिस वे. आप ऐसे लिख सकते हो, अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है तो फिर स्पेशल डैमेजेस आर ऑल्सो रिकवरेबल, else special damages are not recoverable. If information had been provided regarding the losses which will arise after 2 days, then in such case, Mr. X is entitled to pay special damages to mill owner. Mr. X कौन है? The repairing person. Correct? Else, special damages are not recoverable. और हम यहाँ पर losses की बात कर रहे हैं, but the losses which will arise after 2 days. है ना? वो जो 2 दिन में जो लॉसेस अराइज होंगे वो तो क्लियर कट मिल ओनर ही पे करेगा. तो उसके बारे में ना डिस्कशन होगा ना डिसीजन में रेफरेंस होगा. ठीक है? तो यहाँ पर भी हम जो लॉसेस की बात कर रहे हैं, दोज लॉसेस आर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस लाइक अराइजिंग आफ्टर 2 days. क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर अगर कुछ लॉस हो भी जाता है तो वो तो क्लियर कट मिल ओनर ही बेयर करेगा. चलो डन. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड
जितना भी ये डिस्कशन किया है हमने रिगार्डिंग स्पेशल डैमेजेस, ओके if you are done writing this much, come to question number 20 and read the entire question. So we are discussing this question number 20, है ना, जहां पर ये इसको मशीन देने वाला था, बट कितने में देने वाला था, ये प्राइस है, बट फिर इसने बिकॉज ऑफ लेबर स्ट्राइक ही ब्रीच्ड. तो अब शक्ति ट्रेडर्स किसी और मैन्युफैक्चरर के पास जाके मशीन खरीदता है, कितने में, 12,75,000 में. सो क्वेश्चन इज आर ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवरेबल एंड हाउ मच दे आर. सो ऑर्डिनरी डैमेजेस का वैल्यू कितना है, रुपीज 1,25,000 एंड द आंसर इज यस दे आर रिकवरेबल, करेक्ट, यस दे आर रिकवरेबल. ये रिकवर करवाने के लिए कोई कंडीशन या कोई प्री कंडीशन या कोई पोस्ट कंडीशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द आंसर, ठीक है. नाउ लेट अस रीड द सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन एंड डिस्कस द सेकेंड हाफ ऑफ द आंसर, ठीक है. इतना तो हमको समझा है, ये बाद में लिख लेना, ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लें. नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, शक्ति ट्रेडर्स वर ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इट हैड मेड विद एक्स ट्रेडर्स. तो यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है, दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 1, करेक्ट, जहां पर ये सेलर है और ये बायर है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में, ये शक्ति ट्रेडर्स बन जाते हैं सेलर. सो आई विल राइट ओवर हियर शक्ति ट्रेडर्स, शक्ति ट्रेडर्स, और दूसरे कौन से ट्रेडर्स हैं, एक्स ट्रेडर्स, करेक्ट. तो शक्ति ट्रेडर्स यहां पर कौन बन जाते हैं, सेलर, और ये कौन बन जाते हैं, बायर. अच्छा, अब ट्रांजैक्शन 1 में ही इसको मशीनरी मिली क्या एवरग्रीन लिमिटेड से, नहीं. तो इसने यहां पर क्या लिखा है, शक्ति ट्रेडर्स वर आल्सो प्रिवेंटेड, शक्ति ट्रेडर्स वर आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इट हैड मेड विद एक्स ट्रेडर्स, ठीक है. तो इसका भी किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट था. तो दूसरा आगे लास्ट लाइन में क्या लिखा है, एडवाइज शक्ति ट्रेडर्स द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन विच इट कैन क्लेम फॉर फ्रॉम एवरग्रीन, ठीक है. तो देखो, एवरग्रीन लिमिटेड से वो 1,25,000 तो रिकवर करेंगे ही करेंगे, एज व्हाट, एज ऑर्डिनरी डैमेजेस, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो शक्ति ट्रेडर का एक्स ट्रेडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो अब शक्ति ट्रेडर के पास ही मशीन नहीं आई टाइम पर, तो वो एक्स ट्रेडर्स को क्या ही बेचेंगे, तो शक्ति ट्रेडर्स का भी नुकसान हो गया. तो इस नुकसान को हम क्या कहते हैं, या जो भी घाटा हो गया, दीज आर कॉल्ड एज स्पेशल डैमेजेस, करेक्ट. So again, my question to you is, इस शक्ति ट्रेडर्स का जो एक्स ट्रेडर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब रुक गया है ना, वो अभी परफॉर्म नहीं हुआ है, they were prevented. तो अब शक्ति ट्रेडर्स को भी कुछ घाटा हो गया. तो क्वेश्चन ये है, क्या शक्ति ट्रेडर्स का यहाँ पर जो घाटा हुआ है, कैन दे रिकवर इट, कैन दे रिकवर दिस लॉस ऑल्सो फ्रॉम एवरग्रीन लिमिटेड, बोलो येस और नो. जो क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया आपको डिसीजन कैसे फ्रेम करना है, वैसे ही मुझे आंसर बताओ. चलो, अब यहां पर तो आपने नो लिख लिया, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी थी कि भाई मेरा अभी आगे एक्स ट्रेडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आप नो कह रहे हो, ठीक है. आई गॉट इट, द आंसर इज राइट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आप आंसर लिखोगे तो उसको फ्रेम कैसे करोगे. मैंने आपको क्या कहा, आपको दोनों चीजें लिखनी है, तो क्या लिखोगे बताओ मुझे. हाउ विल यू फ्रेम योर आंसर व्हेन इट कम्स टू स्पेशल डैमेजेस. ये देखो, मैंने आपको इधर ऊपर ये लिखा है ना, डिसीजन, इफ इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड देन द स्पेशल डैमेजेस आर रिकवरेबल, एल्स दे आर नॉट रिकवरेबल. आपको ऐसा लिखना है डिसीजन, आपको क्लियर कट यस और नो नहीं लिखना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग व्हेन इट कम्स टू स्पेशल डैमेजेस प्ले सेफ. अच्छा, अब एक मैं आपको चीज क्लैरिफाई कर रही हूं, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है
अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड तो उस केस में तो क्लियर कट आप यस ही लिखोगे, यस स्पेशल डैमेजेस आर रिकवरेबल, करेक्ट। अगर क्वेश्चन में क्लियर कट बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड तो इसमें भी आप क्लियर कट नो लिखोगे दैट स्पेशल डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन के बारे में एटलीस्ट जिक्र तो किया है वेदर इट इज प्रोवाइडेड और नॉट। ये वाला जो एवरग्रीन का है इसमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज या कुछ भी बोला है क्या? नहीं, इसलिए अज्यूम मत करो कि नहीं बताया है। गेटिंग माई पॉइंट? जहां पर उन्होंने आपको क्वेश्चन में थाली में परोस के बोला है कि इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड तो क्लियर कट यस लिखो, फिर एक ही लाइन में स्पेशल डैमेजेस आर रिकवरेबल एज इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द फर्दर कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल क्लियर कट में लिखो नो स्पेशल डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल एज द इन्फॉर्मेशन एज द नॉलेज वॉज नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ पर एवरग्रीन का भी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 20, वहां पर आपको किसी भी केस में कोई भी लाइन में इंफॉर्मेशन का कुछ भी एक्सप्रेस किया है क्या, वेदर इट वॉज प्रोवाइडेड वेदर इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड? नहीं ना। तो इसलिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, डू नॉट अज्यूम। तो इसलिए व्हेन आई से डू नॉट अज्यूम देन राइट योर डिसीजन कंसिडरिंग बोथ द सिचुएशंस। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, टेल मी यस और नो, आई विल स्टार्ट डिक्टेटिंग द आंसर देन। समझा है आपको कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, हाउ यू आर सपोज टू फ्रेम योर डिसीजन व्हेन इट कम्स टू स्पेशल डैमेजेस। So this much, jitna maine mark kiya hai, that becomes point number one. Now write down point number two. Applying the above principle of law to the given case, comma, Evergreen Limited is applying the above principle of law to the given case, comma, Evergreen Limited is obligated, Evergreen Limited is obligated to compensate, Evergreen Limited is obligated to compensate rupees 1,25,000 is obligated to compensate rupees 1,25,000 rupees 1,25,000. अब इसके बाद ना ब्रैकेट में दिखाओ ये फिगर कहां से आया, सो राइट डाउन 12,75,000 माइनस 11,50,000 जो क्वेश्चन में दो फिगर्स दिए हुए हैं वो लिख लो ब्रैकेट में। Evergreen Limited is obligated to compensate rupees 1,25,000 in brackets write down 12,75,000 minus 11,50,000 ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करो write down which had naturally arisen due to default in performing the contract on the specified date due to default in performing the contract by the specified date. I'll repeat the second point again. Applying the above principle of law to the given case, comma, Evergreen Limited is obligated to compensate rupees 1,25,000 brackets mein 12,75,000 minus 11,50,000 which had naturally arisen due to default in performing the contract on the specified date. Take care. This is point number two. Now leave a line. Now don't leave a line. Write on point number three. Point number three.
पॉइंट नंबर थ्री में लिखो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ, रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच शक्ति ट्रेडर्स रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच शक्ति ट्रेडर्स वर कंपेल्ड टू मेक, विच शक्ति ट्रेडर्स वर कंपेल्ड टू मेक टू एक्स ट्रेडर्स कॉमा, आई रिपीट द सेंटेंस अगेन, रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच शक्ति ट्रेडर्स वर कंपेल्ड टू मेक टू एक्स ट्रेडर्स कॉमा it depends upon the fact whether Evergreen Limited knew about the contract of Shakti Traders for supply of machinery to X traders on the specified date. I'll repeat the third point again. Regarding the amount of compensation which Shakti traders were compelled to make to X traders, comma, it depends upon the fact whether Evergreen Limited knew about the contract of Shakti traders for supply of machinery to X traders on the specified date. Full stop. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, डो नॉट मेक अ सेपरेट पॉइंट, राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन. इफ सो कॉमा एवरग्रीन लिमिटेड इज ऑल्सो obligated to reimburse the compensation. Evergreen Limited is also obligated to reimburse the compensation which Shakti traders had to pay to X traders. I'll repeat this point again. Evergreen Limited is also obligated to reimburse the compensation which Shakti traders had to pay to X traders for breach of contract. Full stop. वापस से नेक्स्ट लाइन में लिखो, अदरवाइज कॉमा एवरग्रीन लिमिटेड इज नॉट लाइबल. आई रिपीट फ्रॉम इफ सो, ठीक है. देखो अगर आपका कुछ ये है तो, पेंडिंग है तो, इफ सो कॉमा एवरग्रीन लिमिटेड इज ऑल्सो
obligated to reimburse the compensation which Shakti traders had to pay to X traders for breach of contract. Full stop. Next line. Otherwise, Evergreen Limited is not liable. देखो यहाँ पर भी conclusion में हमने दोनों चीजें लिखी हैं. If you observe, now for the time being, सिर्फ ना third point पढ़ लो आप अच्छे से. I'll wait. Read third point. डन. ठीक है. अब द लास्ट थिंग फॉर द डे इज आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल डैमेजेस. रीड द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल डैमेजेस. यहां पर वर्ड प्रॉफिटेबल है. A lost a profitable contract. आराम आराम से पढ़ो and see जो example के last में conclusion frame किया है whether you are able to understand. So in this example what you have to understand two main things. यहाँ पर हम special damages की बात कर रहे हैं और example में दो तरह के special damages की बात की है. So if I write down special damages यहाँ पर दो हैं. एक है profits से related. एक है जो प्रॉफिट उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाला था. प्रॉफिट विथ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो सिंपल आंसर है कौन सा रिकवरेबल होगा कौन सा रिकवरेबल नहीं होगा. क्या ये वाला प्रॉफिट रिकवरेबल होगा? द आंसर इज यस. ये आपने यस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लाइन में दिया था ए ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बी दैट द मिल विल बी स्टॉप्ड फॉर द वांट ऑफ मशीन. सो विल दिस बी रिकवरेबल? द आंसर इज यस. जो गवर्नमेंट के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था और अब उनका नुकसान हो चुका है, विल दैट बी रिकवरेबल? द आंसर इज अ क्लियर कट नो. क्योंकि लास्ट लाइन के एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ए'स कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट वॉज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ बी. सो विल दिस बी रिकवरेबल? द आंसर इज नो. क्योंकि इन्फॉर्म किया था क्या? इन्फॉर्म नहीं किया था. इट वॉज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस. टेल मी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल? यस और नो? तो ये वाला जो केस है हैंडले वर्सेस बेक्सिंडेल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. मैंने एग्जैक्टली वही पर्पसली वही फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए थे फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. सो आई वांट यू ऑल टू रीड दिस. ठीक है. यहाँ पर भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ये सफर्ड है एंड आई थिंक बाकी तो ठीक है. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड इट. हाँ, यही है. प्रॉफिट्स और सफरिंग में ही स्पेलिंग मिस्टेक्स की गई है. ठीक है. तो हैंडले वर्सेस बेक्सनडेल का जो केस है दैट इज फॉर यू ऑल फॉर योर होमवर्क. आई वांट यू ऑल टू रीड द केस ट्वाइस एंड व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चंस टुमारो आई वांट यू ऑल टू गिव मी अ प्रॉपर ओपिनियन, एक्यूरेट ओपिनियन फॉर टू बी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है. चलो, आई विल मीट यू ऑल टुमारो देन. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग एवरी डे एंड स्पेशली द होमवर्क व्हिच आई हैव गिवन यू फॉर टुडे. ठीक है.